हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और क्या कर रहे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, साथ में आने वाले समय के लिए तैयारियां भी बना रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक लगभग सभी अध्यापकों ने सारे मॉड्यूल्स का अध्ययन कर लिया है। अब मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि इन मॉड्यूल्स में कही गई बातों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इन्हें अपने शिक्षण में कैसे लागू करें। तो इसके लिए सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ है मित्रों, शिक्षण योजना का निर्माण। क्योंकि मॉड्यूल्स में जितनी भी बातें कही गई हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, इन सब का हम जो है अपनी कक्षा में प्रदर्शन एक शिक्षण योजना के माध्यम से कर सकते हैं। तो शिक्षण योजना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इस डिपार्टमेंट में आने के बाद लोगों की जो है पेन और पेपर का यूज करना कम हो जाता है। लोग ज़्यादातर ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जब कोई चीज़ पेन या पेपर पर लिखना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल सी दिखाई पड़ती है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, आपको शिक्षण योजना बनाना बहुत ही आसान है। आप बड़े आसानी से जो है शिक्षण योजना बना सकते हैं। इसके लिए जो आपके मॉड्यूल्स दिए गए हैं वो आपके बहुत बड़े उसमें सहायता पहुँचाएँगे, और शिक्षण योजना बना करके ही जो है आप बच्चों के अंदर जो लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति है वो करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्वयं द्वारा निर्मित शिक्षण योजना, एक आदर्श शिक्षण योजना जो कि मैंने बनाया है। आप इस शिक्षण योजना को देखिए और बिल्कुल ऐसे ही आपको शिक्षण योजना बनानी है। तो आइए मिलकर बनाएं शिक्षण योजना। मित्रों, शिक्षण योजना जो है दो प्रकार की होती है, एक तो होगा पाठ पर आधारित और दूसरा होगा गतिविधि पर आधारित। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूँ पाठ पर आधारित शिक्षण योजना, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा गतिविधि आधारित शिक्षण योजना कैसे बनाएं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि शिक्षण योजना बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकर, जो कि दाम में बहुत ही छोटा है लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। आज भी कई लोग गैस पे खाना बनाते हैं, तो एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि इस पे खाना आपका बहुत जल्दी पक जाएगा। इनफैक्ट जितना जल्दी आपका गैस पकता है उससे दो गुना तेज़ी से इस पे खाना पकाया जा सकता है और आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको प्रेस्टीज की कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि प्रेस्टीज का कोई भी सामान टॉप क्लास क्वालिटी का होता है, लेकिन वो दाम में भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही सस्ता है, आपके बजट में है, क्योंकि ये शानदार प्रोडक्ट आज आपको बहुत ही ख़ास दाम मिल रहा है, जो कि है 1699 रुपये। हाँ दोस्तों, 1699 रुपये इस समय इस पर बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करिए और इसे फटाफट से ख़रीद लीजिए। हाँ तो मित्रों, किसी भी पाठ की शिक्षण योजना या किसी भी जो है चयनित लर्निंग आउटकम की शिक्षण योजना या किसी भी गतिविधि की शिक्षण योजना बनाने के पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, तभी हम एक जो है प्रभावशाली शिक्षण योजना बना पाएंगे। किसी भी शिक्षण योजना को बनाने के लिए आपके पास कुछ आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, जिसमें नंबर एक है बच्चों की संख्या, यानी आपके विद्यालय में और आपकी कक्षा में, आप जिस कक्षा की शिक्षण योजना बना रहे हैं या जिस विषय की शिक्षण योजना बना रहे हैं, उस कक्षा में कितने बच्चे हैं, और बच्चों की संख्या के आधार पर ही आप जो है उनकी बैठक व्यवस्था तय कर पाएंगे। क्योंकि शिक्षण योजना में बैठक व्यवस्था तय करनी होती है,
तो जितने बच्चे हैं बच्चों के आधार पर ही आप बच्चों के समूह बना पाएंगे, बच्चों की जो है बैठक व्यवस्था का निर्धारण आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आवश्यक चीज़ है बच्चों की संख्या। फिर नंबर टू है लर्निंग आउटकम की सूची। कोई भी बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास के बच्चे की अपेक्षित दक्षताएं क्या हैं, उस क्लास के बच्चे की जो है उस पर्टिकुलर विषय में उस जो लर्निंग आउटकम है वो क्या क्या हैं जिनकी संप्राप्ति आपको कराना है, कौन कौन से लर्निंग आउटकम हैं जो बच्चे के अंदर आपको विकास करना है, उन सभी लर्निंग आउटकम की सूची आपके पास होनी चाहिए, तभी आप पाठ योजना का निर्माण कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है विभिन्न गतिविधियों की सूची। तरह तरह की विद्यालयी गतिविधियाँ, उनकी सूची आपके पास होना चाहिए। आप बहुत सारी गतिविधियों को जो है विद्यालय में कराते भी होंगे, लेकिन गतिविधियाँ मुँह जबानी सब रटी हों ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये मॉड्यूल्स जो आपको दिए गए हैं उसमें ढेर सारी गतिविधियाँ हैं, विषय वाइज गतिविधियाँ हैं, उन सारी गतिविधियों को आप अलग संग्रह कर सकते हैं, उनकी एक सूची बना सकते हैं, ताकि जब आप पाठ योजना का निर्माण कर रहे हों, शिक्षण योजना का निर्माण कर रहे हों, तो आप गतिविधियों का चुनाव कर सकें, सही गतिविधि को चुन सकें कि किसी लर्निंग आउटकम के लिए कौन सी गतिविधि जो है सुटेबल होगी। फिर बात आती है पाठ्य पुस्तकें। आपके पास जिस कक्षा की पाठ्य योजना या शिक्षण योजना आप तैयार करने चल रहे हैं उस कक्षा की पाठ्य पुस्तकें भी आपके पास होनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो पाठ दिए गए हैं, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। साथ में अगर आप किसी पाठ की पाठ योजना बना रहे हैं तो आप सबसे पहले खुद उस पाठ का भली भांति अध्ययन कर लें और समझ लें कि इस एक पाठ से हम कितने लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति बच्चे को करा सकते हैं। जैसे भाषा का आप कोई पाठ ले रहे हैं तो एक पाठ में बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स निकल सकते हैं, जैसे उसमें पढ़ना, लिखना, चित्रों पर विचार करना, ठीक है, और भाषा संरचना, व्याकरण आदि संबंधी बहुत सारी ऐसी लर्निंग आउटकम्स हैं जो उस पर्टिकुलर पार्ट में निहित होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी पार्ट की पाठ योजना बना रहे होंगे तो उस पूरे पार्ट को एक शिक्षण योजना, एक पाठ योजना में आपको ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि उस पाठ में कई प्रकार के लर्निंग आउटकम छिपे हैं। उस पाठ के माध्यम से आप बच्चों के अंदर तरह तरह के लर्निंग आउटकम्स का विकास कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस पाठ का अध्ययन करने के बाद आपको पहचानना होगा कि उस पाठ में क्या क्या ऐसे लर्निंग आउटकम छिपे हैं जो आप बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। फिर आप लर्निंग आउटकम के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाइएगा, उसके आधार पर आप गतिविधि का चुनाव कीजिएगा, उसके आधार पर आप सहायक सामग्री का चुनाव कीजिएगा। जिस लर्निंग आउटकम की आप संप्राप्ति करा रहे हो उसी से संबंधित जो है आपको सहायक सामग्री का चुनाव आपको करना होगा। तो यानी एक पाठ की, किसी पर्टिकुलर पाठ की पाठ योजना, एक पाठ की कम से कम 3-4 पाठ योजना बन सकती हैं। फिर बात आती है अगला, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन व खेल के मैदान। आपके विद्यालय में कितने संसाधन उपलब्ध हैं और आपके विद्यालय में खेल का मैदान कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसके आधार पर आप गतिविधि आधारित शिक्षण योजना बना सकते हैं। विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का जिक्र आप अपने शिक्षण योजना में कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में अगर बिजली है, आपके विद्यालय में अगर कंप्यूटर है, या आपके विद्यालय में जो है जो प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड लगा है, तो ये अलग अलग प्रकार के संसाधनों से जो है आप अपने जो शिक्षण योजना है उसको प्रभावशाली बना सकते हैं, और इन जो है संसाधनों का उपयोग करते हुए, इन संसाधनों के उपयोग को दर्शाते हुए जो है आप अपनी शिक्षण योजना बना पाएंगे। फिर बात आती है पुस्तकालय और प्रयोगशाला की व्यवस्था। अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय है और प्रयोगशाला की व्यवस्था है
तो पुस्तकालय और प्रयोगशाला के माध्यम से भी जो है आप बच्चों के अंदर बहुत सारे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करा सकते हैं। तो अगर आपके पास पुस्तकालय और प्रयोगशाला है तो उससे कौन कौन से लर्निंग आउटकम आप निकाल सकते हैं उसकी आप अलग से सूची बना लीजिएगा और उसके आधार पर आप अपनी पाठ योजना तैयार कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है प्रिंट रिच वातावरण। अगर आपकी कक्षा का वातावरण प्रिंट रिच है तो आप उस प्रिंट रिच वातावरण का प्रयोग गतिविधि कराने के दौरान, गतिविधि शिक्षण के दौरान आप प्रिंट रिच वातावरण का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी शिक्षण योजना में आपकी कक्ष में जो प्रिंट रिच वातावरण है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये हैं आवश्यक सामग्री जो किसी कक्षा की, किसी भी शिक्षण योजना को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री हैं, वो ये हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि विशेष हैं, बिना इसके हम शिक्षण योजना सही ढंग से बना नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको जो है कि शिक्षण योजना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। बच्चों की बैठक व्यवस्था, लर्निंग आउटकम्स की सूची, पाठ्य पुस्तकें, गतिविधियों की सूची, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन वन, खेल के मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की व्यवस्था, प्रिंट रिच वातावरण, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी शिक्षण योजना बनाने में। साथ में आपकी रुचि, आपके अंदर किसी कार्य को करने के लिए कितनी ऊर्जा है, यह भी जो है बहुत आवश्यक है कि आप किसी कार्य को कितने मन से बना रहे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक शिक्षण योजना तैयार की है, आप इस शिक्षण योजना को देख लीजिए और इसके आधार पर आप जो है शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, यद्यपि मैंने यह शिक्षण योजना अपने मोबाइल पर ही तैयार की है, क्योंकि जो लिखने वाला कार्य है वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अब बहुत ज़्यादा लिखाता नहीं है, अगर आप लिखने बैठिए तो जो हाथ है बहुत धीमा चलता है, इसलिए मैंने मोबाइल पर ही जो है शिक्षण योजना तैयार की है। ये आकर्षक भी है, आपको अच्छी भी लगेगी, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने जो है एक प्रारूप बनाया है और ये प्रारूप वैसा ही जैसा कि जो है शिक्षण संग्रह में दिया हुआ है। शिक्षण योजना बनाने के लिए मैंने एक प्रारूप बनाया है, आपको इसी प्रारूप का प्रयोग करते हुए शिक्षण योजना बनानी है। यद्यपि ये प्रारूप मैंने मोबाइल पर बनाया है, लेकिन आपको अपनी डायरी में या रजिस्टर में ये प्रारूप बनाना होगा और इसी प्रारूप पर आपको शिक्षण योजना बनानी होगी। तो शिक्षण योजना में आपका क्या होगा, दिनांक, कक्षा, विषय, फिर लर्निंग आउटकम, किस लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के लिए आप शिक्षण योजना बना रहे हैं वो लर्निंग आउटकम लिखेंगे, फिर वो लर्निंग आउटकम आप कहाँ से निकालेंगे, किस पाठ से निकालेंगे, ठीक है, आप कौन सा पाठ बच्चे को पढ़ाने चल रहे हैं, किस पाठ से वो आपका लर्निंग आउटकम निकलेगा, उस पाठ का नाम यहाँ लिखेंगे प्रकरण में, प्रकरण में लिखना है आपको पाठ के नाम, फिर उस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति कराने के लिए, उस पाठ को सही ढंग से समझाने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री आपको चाहिए, यहाँ पर थर्ड नंबर पर है सीखने सिखाने की सामग्री, फिर नंबर फोर पर आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां, ये जो है प्रक्रियाएं और गतिविधियों के ये चरण दिए गए हैं, इन चरणों को आपको देखना है, क्रम संख्या है, चरण है, समय है और आकलन के तरीके। आपको शिक्षण के साथ साथ आकलन भी बच्चों का करते जाना है, क्योंकि शिक्षण और आकलन दोनों साथ साथ चलना है। तो चरण नंबर का में है शिक्षण के शुरुआत में, जब आप अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे, जिसे कहते हैं रोचक प्रस्तावना, ठीक है, तो शुरुआत में आप क्या करेंगे, कितना समय आपने उसके लिए लिया है और आकलन के क्या तरीके होंगे। फिर खा में है शिक्षण के दौरान, जब आपका शिक्षण चल रहा होगा उस समय आप क्या करेंगे, क्या गतिविधियां कराएंगे, कितना समय लेंगे और आकलन के क्या तरीके अपनाएंगे। फिर थर्ड यानी गा नंबर है शिक्षण के बाद में, शिक्षण के बाद में क्या प्रक्रिया आप अपनाएंगे, समय कितना लेंगे और आकलन के क्या तरीके होंगे, ये यहाँ पर आप दर्शाएंगे। फिर उसके बाद आता है प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट, बच्चों को आप घर से कार्य करने के लिए क्या कह रहे हैं, कौन सा कार्य दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आगामी योजना,
अब बात यहाँ आती है मित्रों आगामी योजना। मान लिया कि आप किसी पार्ट को आप शुरुआत की, तो एक पार्ट की सिर्फ एक ही शिक्षण योजना नहीं बनेगी, एक पार्ट की 2-3-4 शिक्षण योजनाएं बन सकती हैं। और आगामी शिक्षण योजना आप क्या बना रहे हैं, आगामी योजना आपकी क्या है, अगर हो सकता है कि अभी आपने जो शिक्षण योजना बनाया, जो पढ़ाया, उसमें कुछ बच्चे ऐसे रह गए हों जिन्हें जो है चयनित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति ना हुई हो, तो उनके लिए भी आपको आगामी योजना बनानी पड़ेगी। और फिर आप जो है उसी पाठ पर आधारित किसी और लर्निंग आउटकम के लिए अगर शिक्षण योजना बना रहे हैं, तो वो भी आप आगामी योजना में दर्शाएंगे कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक प्रारूप है, और इस प्रारूप का प्रयोग करते हुए आप शिक्षण योजना बना सकते हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक बनी बनाई शिक्षण योजना जो मैंने बनाया है, उसको आप देखिए। देखिए मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिक्षण योजना एक, यद्यपि यह शिक्षण योजना मैंने मॉड्यूल के हेल्प लेकर ही बनाई है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अध्यापक हूँ, लेकिन इसमें हमने जो है अपने शब्दों को पिरोया है, अपने विचारों को रखा है। शिक्षण योजना एक है, दिनांक मैंने नहीं डाला है, कक्षा 3 है, विषय हिंदी है, और समय 35-40 मिनट का हमने ले रखा है। और जो लर्निंग आउटकम है वो मैंने लिया है कि बच्चे दृश्य चित्रों को देखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं एवं क्रमानुसार वाक्य लिखते हैं। ये हो गया लर्निंग आउटकम। मुझे इसी लर्निंग आउटकम पर काम करना है। और मैंने देखा, मैंने जब पाठ पुस्तक खोली देखा, तो मुझे लगा कि मैं किस पाठ से ये लर्निंग आउटकम निकलवा सकता हूँ, ये बच्चों के अंदर इस लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करा सकता हूँ, कौन सा ऐसा पाठ है। तो उसके लिए मैंने पाठ का चुनाव किया है तालाब में चांद, कक्षा 3 की पुस्तक तालाब में चांद पाठ है, मैंने पाठ का नाम डाल दिया। ठीक है, उस पाठ में जो है बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं। मैंने उन चित्रों को देखा, समझा, और उसके बाद फिर मैंने उसके हिसाब से शिक्षण योजना बनाई कि मैं इन चित्रों का प्रयोग किस तरह से बच्चे को जो है दृश्य चित्रों को देखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं एवं क्रमानुसार वाक्य लिखते हैं, ये इसका विकास मैं कैसे करूं। फिर सीखने सिखाने की सामग्री, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने सामग्री का उपयोग नहीं किया है, सिर्फ पाठ पुस्तक और कार्य पुस्तक पुस्तिका का ही प्रयोग किया है। आप अपनी पाठ योजना में ज़रूरत के अनुसार सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। फिर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके का, जैसा कि प्रारूप में मैंने दिखाया था शिक्षण की शुरुआत में, तो इसमें मैं क्या करूंगा, बच्चों को यू आकार में बैठाकर तालाब और बंदर के विषय में बातचीत करेंगे तथा तालाब में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में पूछेंगे, जैसे तालाब में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, या तालाब में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जो तालाब में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। ठीक है, या पानी में रहने वाले और जीवों के नाम बताओ, या समुद्र में रहने वाले कुछ जीवों के नाम बताओ, या नदी में रहने वाले कुछ जीवों के नाम बताओ। तो इस तरह से शिक्षण की शुरुआत आपकी रोचक होगी और बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, हर बच्चा जो है आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए उत्सुक होगा। इसके लिए मैंने समय निर्धारित किया है 10 मिनट। और आकलन के तरीके क्या हैं, जब हम बच्चों से बातचीत कर रहे होंगे उस समय हम अवलोकन करेंगे और बच्चों की बातों को सुन करके जो है आकलन करेंगे कि बच्चा हमारी बात को समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। फिर बात आती है खा, शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान बच्चों के दो दो बच्चों का समूह बना लेंगे तालाब में चांद पाठ के चित्र का अवलोकन कराते हुए। बच्चों से कहेंगे कि आप अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लीजिए और पाठ्यपुस्तक में तालाब में चांद नामक पाठ खोलना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कुछ बच्चे सही ढंग से पुस्तक ना खोल पा रहे हों, तो उसमें उनकी मदद करनी होगी और उनको जो है उस चित्र के पास ले जाना होगा, दिखाना होगा दो दो बच्चों का ग्रुप बना करके। और पाठ के चित्र का अवलोकन कराते हुए आपस में बात करने को कहेंगे कि आप लोग इस चित्र को देख लीजिए और क्या इसमें दिख रहा है, इसके बारे में आपस में बातचीत कर लीजिए। और
बच्चे चित्र के आधार पर एक दूसरे को अपनी कल्पना से कहानी भी सुनाएंगे, यानी बच्चों का जब आप ग्रुप बना देंगे, उन्हें स्वतंत्र रूप से ये कार्य करने के लिए कह देंगे, तो बच्चे कुछ ना कुछ जो है अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताएंगे। वो कहानी के रूप में भी हो सकती है, कल्पना के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि जो चित्र में ना दिखाई पड़ रहा हो उस बारे में भी बच्चे बात करें। इसके लिए 20-25 मिनट का टाइम रखा है और अवलोकन करेंगे हम सुन करके। जब तक बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, हम लोग जो है यानी अध्यापक जो है सुन करके बच्चों का अवलोकन करेंगे कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये शिक्षण के दौरान मैं करूँगा। और फिर बात आती है आगे, नेक्स्ट चरण है शिक्षण के बाद में। जब शिक्षण आपने कर लिया या जो है बच्चों ने बातचीत कर लिया, बच्चों ने तालाब में चांद नामक पाठ के चित्रों का अवलोकन कर लिया, तब उसके बाद क्या करना है। शिक्षण के बाद में तालाब में चांद पाठ के चित्र को बच्चे देखेंगे तथा प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने बनाया है कि बच्चे अगर चित्र देख लिए हैं तो मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा और उन प्रश्नों का उत्तर जो है बच्चे देंगे कि कुल कितने बंदर दिखाई दे रहे हैं, या चित्र में माँ बा पा अक्षर वाली कौन सी चीज़ें हैं। तो बच्चे चित्र में देखेंगे, चित्र में देख करके वो बता लेंगे कि माँ से मगरमच्छ होता है, ठीक है। इस तरह से जो है पा से पक्षी होता है, ठीक है, और बा से बंदर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें चित्र में उनको दिखाई पड़ रही हैं। तो उन चित्रों के बारे में आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने प्रश्नों को यहाँ पर स्थान दे सकते हैं, अपनी शिक्षण योजना में उन प्रश्नों को स्थान दे सकते हैं उन चित्रों को देख करके। फिर उसके बाद चित्र नंबर 3 पर 5 वाक्य लिखो। बच्चों से कहेंगे कि जो तीसरा चित्र दिख रहा है उसको देखिए और उस पर देख करके 5 वाक्य जो है आप लोग बनाओ। तो बच्चे टूटा फूटा छोटा मोटा वाक्य बनाएंगे, सही गलत जो भी बनाएंगे। समय इसके लिए 10 मिनट रखा मैंने। और आकलन के तरीके हैं प्रश्नोत्तर, बच्चों से प्रश्न करेंगे, और प्रस्तुतिकरण। बच्चे नंबर 3 पर 5 वाक्य लिख करके जो प्रस्तुत करेंगे उनको चेक भी करना है और उनको बताना भी है जो है कि यहाँ पर क्या गलतियाँ हैं, क्या सही हैं, उनमें सुधार भी करना है। फिर बात आती है इसी में बच्चे की कार्य की प्रस्तुति व समेकन। बच्चे ने जो है जो कार्य किया है बच्चा उसको प्रस्तुत करेगा, आप उसको देखेंगे और समेकन करेंगे। समेकन करेंगे यानी समेटेंगे इसको, परिणाम तक पहुंचेंगे कि बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, या बच्चे में अभी क्या सिखाने की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर जो है आप आकलन करेंगे कि बच्चे ने कितना अच्छा कार्य किया है। यहाँ पर बच्चे को उसकी फीडबैक भी देनी है, बच्चे को शाबाशी भी देनी है, उसे प्रोत्साहित भी करना है। इसके लिए 10 मिनट का टाइम मैंने रखा है। फिर अगला टॉपिक आता है प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट। तो उसी पार्ट पर आधारित जो बच्चे ने चित्र देखा है, जो आपने शिक्षण कार्य किया उसी पर आधारित बच्चे को जो है गृह कार्य भी देना है कि कलरव पाठ 1 प्रार्थना के चित्र पर 5 वाक्य घर से लिखकर लाएं। क्योंकि उस पाठ में तो बच्चे ने चित्र देख ही लिया है, अब आपको ये देखना है कि बच्चा चित्र देख करके उसके बारे में कुछ जो है बातें सीख सकता है, कुछ लिख सकता है या नहीं लिख सकता है। इसका आकलन करने के लिए गृह कार्य आप देंगे, किसी और पाठ के चित्र पर जो है 5 वाक्य घर से लिख कर लाने के लिए कहेंगे। फिर हमारी आगामी योजना क्या होगी कि लर्निंग आउटकम के आधार पर तालाब में चांद पाठ से संबंधित पढ़ने व लिखने वाली दक्षता विषयक गतिविधियों का चयन। अब अगले दिन हम क्या करेंगे जो है कि उसी पाठ को लेंगे। अभी चूँकि हमने पाठ को पढ़ाया नहीं, सिर्फ चित्र के सहारे जो है एक पाठ योजना बनाई है, अब अगले दिन जो है पाठ से संबंधित पढ़ने व लिखने वाली दक्षता को लेंगे, लर्निंग आउटकम्स को लेंगे कि पढ़ने व लिखने वाले जो लर्निंग आउटकम है, दक्षताएँ हैं, उनके विकास करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक गतिविधियाँ हैं, और गतिविधियों का चयन करेंगे और फिर गतिविधियों पर आधारित शिक्षण योजना का आप निर्माण करेंगे। चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन, यानी अगले दिन जो है आप गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। और गतिविधियों का क्रियान्वयन करने का तरीका भी है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण योजना भी आपको बनानी होगी। अगर आप पढ़ने व लिखने
से संबंधित दक्षता विषयक गतिविधियों का चयन आपने किया है जिससे बच्चे के अंदर पढ़ने व लिखने की क्षमता विकसित हो और पाठ आपका वही है तालाब में चांद, तो उस गतिविधि का भी आपको शिक्षण योजना बनानी होगी, जो कि मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि गतिविधि आधारित शिक्षण योजना का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को भी इसे हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के अंदर कन्फ्यूज़न दूर हो सके और शिक्षण योजना को लेकर के जो इतने परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो सके और हल्के मन से जो है वो अपनी शिक्षण योजना बना सकें। तो मित्रों, आपके पास पर्याप्त समय है और नेट पर यानी कि ऑनलाइन 1 से लेकर 8 तक की सारी पाठ्यपुस्तकें जो है उपलब्ध हैं। अगर आपके पास कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं आपको जो है वो पुस्तक सेंड कर दूंगा और आप समय रहते जो है पाठ्यपुस्तकों से शिक्षण योजना का निर्माण कर लें, ताकि जो है आपको जिस समय स्कूल खुले उस समय आपके पास कुछ शिक्षण योजनाएं बनी होंगी तो आपको शिक्षण कार्य करने में आसानी होगी। फिर धीरे धीरे करके आप शिक्षण योजना बनाते रहिएगा और बच्चों के अंदर जो है अपेक्षित दक्षताओं का विकास करते रहिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गतिविधि आधारित शिक्षण योजना लेकर के। और अगर आपको जो है अपने ये जो शिक्षण योजना है या जो मॉड्यूल्स हैं इन पर आधारित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर मैंने जो है बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो मॉड्यूल्स पर आधारित हैं, वहाँ पर आप जो है मॉड्यूल्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ जो है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकर, जो कि दाम में बहुत ही छोटा है लेकिन काम इसके बहुत बड़े बड़े हैं। आज भी कई लोग गैस पे ही खाना बनाते हैं, तो एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए, क्योंकि इस पर खाना आपका बहुत जल्दी पक जाएगा। इनफैक्ट जितना जल्दी आपका गैस पकता है उससे 2 गुना तेज़ी से इस पर खाना पकाया जा सकता है और आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको प्रेस्टीज की कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि प्रेस्टीज का कोई भी सामान टॉप क्लास क्वालिटी का होता है, लेकिन वो दाम में भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही सस्ता है, आपके बजट में है, क्योंकि ये शानदार प्रोडक्ट आज आपको बहुत ही ख़ास दाम मिल रहा है, जो कि है 1699 रुपये। हाँ दोस्तों, 1699 रुपये इस समय इस पर बहुत ही तगड़ा ऑफर चल रहा है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करिए और इसे फटाफट से ख़रीद लीजिए।